वेलकम टू माई चैनल एवी रॉक्स टीम्स। प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है चेल्सी वर्सेस लिसेस्टर सिटी के बीच लगभग 2.5 घंटे बाद, तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की देन चेल्सी और लिसेस्टर सिटी में, यहाँ पर जो टीम जीतेगी वो है गाइस चेल्सी, मतलब जीत सकती है। बाकी चेल्सी का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया होगा, ये कॉन्टीन्यूसली लिवरपूल से हारी, ये लिवरपूल से प्रीमियर लीग में हारी, ये लिवरपूल से यूरो लीग में हारी, ये लिवरपूल से एफए कप का फाइनल भी हारी। तो यार मैं क्या बोलूं आपको कि चेल्सी के लिए क्या मुश्किल की घड़ी चल रही है, गोल तो खाएगी ये। बात करें यहाँ पर गोल कीपर की, कैस्पर को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। कहाँ ये बंदा 8.5 क्रेडिट का हुआ करता था, 9.5 क्रेडिट का है, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के कारण, क्योंकि अच्छा खेल रहा है, जितना अच्छा खेलेगा उतनी प्रोग्रेस होगी। सो मैं इस प्लेयर की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड लूँगा, क्योंकि क्रेडिट बचाने का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। एंड आगे से अगर बात करें रीस जेम्स की, देन यहाँ पर मैं राय दूंगा कि रीस जेम्स को लो। पिछले मैच में भी हमारी जीत का कारण रीस जेम्स था, लोगों ने रूडीगर को ले रखा था इंस्टेड ऑफ हिम। तो भाई रीस जेम्स एक मिडफील्डर है, आप कभी भी देख लेना रीस जेम्स और एलोंसो आपको मिडफील्डिंग करते नजर आएंगे, ये दोनों परमानेंट मिडफील्डर हैं, बहुत कम करते हैं ये लोग डिफेंडिंग। तो ये तो इतना अच्छा मेरे को चेल्सी का लगता है, मतलब ये देखो 1-2 ये दोनों मिडफील्डर हो गए, रूडीगर हो गया डिफेंडर, टी सिल्वा हो गया डिफेंडर, एसपी लूटर डिफेंडर हो गया, क्रिस्टेंसन काफ़ी दिन से खेल नहीं रहा, चिलवेल इंजर्ड है, बचता है ट्रेवो आगे आगे फ्रंट साइड आता है क्योंकि अलग ही चमकता है, बहुत बढ़िया खेलता है ये भी ट्रेवो। सो मैं ट्रेवो को भी ले रहा हूँ। थोड़ा सा क्रेडिट इशू भी था, तो मैं सही बताऊँ तो मैंने रूडीगर तभी छोड़ा है, अगर मेरे पास क्रेडिट इशू ना होता शायद रूडीगर मेरी टीम में आज अभी भी होता। सो आपको समझनी पड़ेगी बात, तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि रूडीगर हेडर तो अच्छे लगाता है, ये बात है, मुझे पता है कि हेडर शॉट तो बहुत अच्छे लगाते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है। आगे से बात करें मेसन माउंट की, मेसन माउंट करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, हर लीग के अंदर बेचारा बहुत अच्छी कोशिश करता है, बट बेचारा मतलब क्यों नहीं चल रहा कुछ नहीं कह सकते। शायद पिछला मैच जो हारे थे लिवरपूल में, अगर ये पेनल्टी शूट आउट करता तो शायद लंबा थोड़ा मैच चलता, लेकिन ये पेनल्टी शूट आउट शायद नहीं कर पाया। एंड आगे से बात करें मेडिसन की, देन यहाँ पर है जेम्स मेडिसन, तो मेडिसन की हुई वापसी, हालांकि 3-4 दिन पहले मैच हुआ था जिसमें यूरी टेल्समैन ने की थी असिस्ट, मेडिसन ने किया था 1 गोल 1 असिस्ट, बर्निस ने 2 गोल और 1 असिस्ट, मतलब आप देखो ना, और उसके बाद जिमी वाड़ी ने भी 2 गोल, अब आप खुद सोचो 5-6 गोल कर गई पूरी टीम, जिसमें सबके गोल थे, मेडिसन हो गया, बर्निस हो गया, बर्निस की सिलेक्शन कम है, इतना फायदा देगा नए प्लेयर आप खुद देखते रह जाओगे। ऊपर से पुलिसिक इज अ स्ट्राइकर, इस मतलब इतने चांस थे पिछली बार, इस मतलब आधा अगर एक भी गोल कर देता ना एक भी लिवरपूल को, इतने के मिले थे, इसने नहीं किया, नहीं तो चेल्सी का कप होता है एफए कप का। तो अब कॉन्फिडेंस लो तो हुआ है पूरी टीम का, तो पुलिसिक शायद कुछ अच्छा करे, है तो स्ट्राइकर। और ऑल ब्राइटन की बात करें, नाम तो है ऑल ब्राइटन बट है नहीं ये बंदा, मतलब ये बहुत कमज़ोर खेलता है, और इसकी जगह वैसे मैं सोच रहा था डिफेंडर आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन देखते हैं इसका बदलाव करूंगा मैं, इसको फाइनल मत समझना। आगे से बात करें रोमेलू लुकाकू की, रोमेलू लुकाकू भी फॉर्म में, और पेनल्टी इस बार रोमेलू लुकाकू को दे रहे हैं, हमें समझ नहीं आई मेसन माउंट के होते चलते इन्होंने रोमेलू लुकाकू को पेनल्टी क्यों दी, जॉर्जिनो के होते हुए पेनल्टी क्यों दी, मतलब समझ नहीं आ रहा कि पेनल्टी लेगा कौन आज, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जिमी वाडी की बात करें, जिमी वाडी की ही वापसी लंबी इंजरी के बाद, जो कि 13 मार्च के बाद ही दिखाई गया, पिछले मैच के अंदर जो कि अच्छा खेला था उसके अंदर 2 गोल भी किया और कंटिन्यूसली गोल कर रहा है इस महीने। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है माउंट, वाइस कैप्टन है लुकाकू, देन ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।